सामान बेचने खरीदने के लिए लाइसेंस लगता है जो तेरे पास है नहीं, फिर भी तुझे दे रहा हूँ। समझ गए, आज के बाद, अभी के बाद मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, कभी देखा तक नहीं है तुझे, समझा क्या? समझा। वैसे क्यों चाहिए तुझे? है कुछ पर्सनल काम। मेरा नाम नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा। चार्जर चार्जर कहाँ रखा है यार मैंने? तूने मेरा चार्जर लिया है क्या? हाँ यार, वो एक्चुअली मैं अपना चार्जर होटल में ही भूल गया था। मैं एक सेकंड में देता हूँ। ये ले भाई तेरा चार्जर, एंड थैंक यू सो मच। व्हाट थैंक्स? हाँ, तूने मेरा चार्जर कैसे ले लिया? भूषण भाई, मैं चार्जर रिटर्न तो कर रहा हूँ, और सुबोध का चार्जर मेरे फोन में फिट नहीं होता है। तेरा मेरा फोन एक ब्रांड का है, इसलिए तुम मेरी अब्सेंस में मेरे रूम में घुसते हो और मेरा चार्जर चुरा लेते हो। कैसी बातें कर रहा है भाई, तो ठीक तो है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि तू ठीक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे एक इमरजेंसी कॉल करनी थी, इसलिए तेरा चार्जर लिया था। उसके अलावा मैंने तेरे रूम की एक चीज भी नहीं छुई है। मुझे कैसे पता नहीं छुई है? रूम में जाकर एक एक चीज को चेक करूं क्या? यार बस कर यार। कूल इट गाइस, क्या तुम एक चार्जर के लिए इतना शोर मचा रहे हो? शोर मचा रहे हो? हाँ सुबोध, इतना लाउड म्यूजिक सुनता है तब तेरे रूम में शोर की आवाज नहीं आती? अभी मैं चार्जर को लेकर क्या बात कर रहा हूँ, तू ये शोर लग रहा है? तू कैसी बातें कर रहा है भाई, एक चार्जर के लिए इतना ड्रामा कर रहा है? तेरे रूम से मैं सिर्फ चार्जर उठा के लाया हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके नहीं आया हूँ। देख देख, नोट कर कैसे घटिया दिमाग चलता है इसका। डिसगस्टिंग ही इज मैन। छोड़ो ना यार। क्या छोड़ो ना यार, जिस दिन यहाँ आया था ना उसी दिन समझ गया था मैं, ये अनुराग कभी सुधर नहीं सकता, एकदम बेकार आदमी है ये।
बड़े शहरों में नौजवान प्रोफेशनल्स का फ्लैट शेयर करना आम बात है। अब एक छत के नीचे होंगे तो नोकझोंक होना भी आम है, हर घर में होती है। इस चार्जर वाली घटना के कुछ ही समय बाद एक भयंकर हादसा हुआ उसी 3 बेडरूम के फ्लैट में। उस फ्लैट में कोई ऐसा था जो अपनी फितरत को, अपनी आदत को बदल नहीं सकता था। अंग्रेजी में इनकॉरिजिबल, हिंदी में सुधारतित। अनुराग, तुम हमारे बेस्ट वर्कर में से एक हो, तुम्हारे बिना काम पर फर्क पड़ेगा, इसलिए जस्ट फॉर वन डे ओके? मैं फोन पे सब कोऑर्डिनेट करता रहूंगा एंड 25th को तो मैं वापस आ ही रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अनुराग आया है क्या? नहीं सर, अभी भी उनका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। सर, कल भी अनुराग का फोन ट्राई किया, मैसेज भी किए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। हरीश, अनुराग ऐसा नहीं है, उसने कहा था उसे सिर्फ 24th को ऑफ चाहिए, 25th को वो लौट आएगा। आज 26th है, ना तो वो ऑफिस आया ना किसी को उसने इन्फॉर्म किया। सर, हमारे रिकॉर्ड्स में उसका घर का एड्रेस मेंशन है। भूषण यार, प्लीज देखना दरवाजे पे कौन है। यस, हेलो, अनुराग का कुलीग हूं, होटल से आया हूं। अनुराग है घर में? आई डोंट नो, देखा नहीं मैंने। सुबोध। हाँ। अनुराग को देखा क्या तूने? नहीं यार, मैंने नहीं देखा। उसके होटल से आया है, कलीग है उसके, उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाय। अनुराग काम के लिए निकला था आज? पता नहीं यार, नो आइडिया। एक्चुअली 24th की छुट्टी ली थी उसने और 25th को रिपोर्ट करना था, आज 26th का भी हाफ डे निकल चुका है। भूषण, तेरी अनुराग से फोन पे बात हुई क्या? मुझे जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली कल से उसका फोन भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है। मैं एक बार रूम में चेक कर लेता हूँ। अनुराग, अनुराग, अनुराग अंदर हो क्या? अनुराग, भूषण, भूषण, भूषण,
वो होटल से है जहाँ अनुराग काम करता है था। सर एक्चुअली अनुराग दो दिन से ड्यूटी पे नहीं गया था तो पता करने आए थे। तुम दोनों अनुराग के फ्लैटमेट्स हो? हाँ सर, हम दोनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, अक्सर नाइट शिफ्ट होती है सर। इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि हम फ्लैट शेयर करते हैं, लाइफ नहीं। हमें तो पता ही नहीं था कि अनुराग अपने रूम में ही है। हम एक दूसरे के रूम में कभी नहीं जाते, प्राइवेसी रूल्स हैं हमारे। प्राइवेसी? तुम लोग इसे प्राइवेसी कहते हो? तुम्हारे फ्लैट के अंदर तुम्हारा फ्लैटमेट पता नहीं कब से मरा पड़ा है और तुम दोनों को पता तक नहीं है। एक्चुअली हमारे टाइमिंग इतने अलग अलग हैं कि ऐसा होता है कि कई दिन तक हम एक दूसरे के चेहरे भी नहीं देख पाते। आखिरी बारी कब देखा था तुमने अनुराग को? शायद 23 की शाम को। हाँ सर, हम अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, उस दिन भी नाइट शिफ्ट थी। हाय अनुराग। हाय सुबोध। उस दिन के बाद से मैंने अनुराग को नहीं देखा। मैंने भी नहीं। ये अनुराग कहाँ का रहने वाला था? पुणे से सर। कब से रह रहा है यहाँ? 11 महीने से सर, सितंबर 2015 में मूव इन किया था वो फ्लैट में। हाय। हाय अनुराग प्रधान। सुबोध चौधरी। भूषण शर्मा। हाय अनुराग। सुबोध, भूषण, जैसा मैंने कहा था ये खाली रूम अब अनुराग का होगा। अनुराग के पुणे का एड्रेस मैं नहीं जानता। सर मैं भी नहीं जानता, लेकिन हमारे लैंडलॉर्ड कैलाश जी आने वाले हैं, वो आपको एग्जैक्ट डिटेल्स दे देंगे सर। उसके फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? फैमिली के बारे में तो नहीं सर, लेकिन अनुराग का एक छोटा भाई है तपन, पुणे में इंजीनियरिंग कर रहा था। एक दो बार अनुराग ने तपन के बारे में मेंशन किया था। सर मुझे होटल जाना है, मैं जा सकता हूँ? जा सकते हो, लेकिन फोन ऑन रखना। जी सर। तुम दोनों का फ्लैटमेट दो दिन से दिखाई नहीं दिया, फिर उसकी लाश मिलती है और आप दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हम बार बार वही सेम बात क्यों दोहरा रहे हैं? हमने डिटेल में आपको अपना सारा रूटीन समझा दिया है, और क्या चाहते हैं? नाम क्या है तुम्हारा? भूषण, भूषण शर्मा। भूषण शर्मा, इस फ्लैट में एक मर्डर हुआ है, हम एक ही सवाल 1000 बार पूछेंगे और 1000 बार तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। पूछिए, लेकिन हर बार मेरा यही जवाब होगा। खाने पीने का क्या इंतजाम है तुम्हारा? कोई मेड आती है? खाना पीना तो हम बाहर से ही करते हैं। हाँ, साफ सफाई के लिए मेड आती है। कितने बजे? सर एक्चुअली हमारे टाइमिंग इतने अलग अलग हैं कि हम कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाते थे, तो मेड सिर्फ अब संडे को ही आती है। कितने बजे आती है? 8 बजे आती है और 11:30 तक काम करके चली जाती है। सर माइसेल्फ कैलाश रंगराजन, ये मेरा फ्लैट है। ये सब कैसे हुआ? काफी सवाल पूछ रहे हैं हमसे, अब आप ही पूछेंगे? कैलाश जी, नो प्रॉब्लम, मैं 1001 बार वही जवाब दूंगा। कैलाश जी, अनुराग की फैमिली का फोन नंबर चाहिए। ये रेंट एग्रीमेंट की फोटोकॉपी है, इसमें अनुराग के सारे डिटेल्स। राव, इन दोनों के नंबर्स ले लेना और जब तक हम लोग नहीं कहते आप लोग बेलगाम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। किसका फोन था? कौन था रे फोन में? क्या बोला रहे उसने उस तेरे को? तपन, क्या है? एक के बाद एक पेज खाली। साहब ये सोसाइटी वाले लिखते नहीं है। तुम्हारा काम है उनसे लिखवाना। गलती हो गई साहब। ये अनुराग जिसका मर्डर हुआ है उसके यहाँ कौन आता जाता था? बहुत कम लोग साहब, और ये तीनों भी दिन भर बाहर ही रहते थे। कोई तो आता जाता होगा। कामवाली भाई आती है सर, बुलाओ उसे। सर ये लक्ष्मी, 202 में मर्डर हुआ है लक्ष्मी। जानती हूँ साहब, मैं तो वही काम करती हूँ। तुम कब कब जाती थी वहाँ? वैसे तो रोज आने की बात हुई थी, लेकिन मुझे जमता नहीं था और वो लोग का भी अलग अलग आने का टाइम होता था, तो मैंने संडे के संडे कर दिया 8 से 11। कभी कुछ अटपटा देखा वहाँ पे? सच कहूँ साहब, मैं तो उन तीनों के ठीक से नाम भी नहीं जानती हूँ। इनका कभी आपस में झगड़ा होता था? जब कोई रात भर रुका हो, कोई लड़की, शराब चरस वगैरह ऐसा कुछ? बियर बियर पीते थे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। केलाइट सल्फेट? हाँ, केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस पाए गए ब्लड स्ट्रीम में। केलाइट सल्फेट एक तरह का पॉइजन होता है, इसके साथ अल्कोहल भी मिला था, पर विक्टिम की मौत दम घुटने से हुई है। केलाइट सल्फेट से शायद विक्टिम बेहोश हुआ होगा,
फिर किसी ने सांस रोक दी थी उसकी। पर डॉक्टर, गला घोटने के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे, ना उंगलियों के ना रस्सी के। बेहोश होने के बाद नाक से सांस रोकी गई थी। ये मर्डर 48 घंटे पहले हुआ है इंस्पेक्टर। आज 26 तारीख है, मतलब 24 को ये मर्डर हुआ है। 24 को दोपहर या लेट इवनिंग के बीच कभी भी हो सकता है। डॉक्टर, क्या ये सुसाइड का केस हो सकता है? नहीं इंस्पेक्टर, विक्टिम ने सुसाइड कतई नहीं किया है। पहले उसे बेहोश किया गया, फिर नाक दबाकर कत्ल किया गया, और इसके लिए जो केलाइड सल्फेट यूज किया वो बहुत ही लो ग्रेड का था, जो ज्यादातर ज्वेलरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। योर कार्ड सर। थैंक यू। प्रिया, बड़े अजीब से फ्लैटमेट्स थे यार। दो दिन हो गए अनुराग मारा पड़ा था और उन दोनों को पता ही नहीं था। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक था भूषण, वो तो कुछ ज्यादा ही अजीब था। पुलिस को एटीट्यूड दे रहा था, सोचो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे साहब ने कहा होगा तुम्हें जो भी, वो तुम्हारे साहब हैं, मेरे नहीं, समझे? मेरी यहाँ नौकरी चली जाएगी, कंपनसेशन देने वो आएंगे क्या? हाँ देखिए, हमें ऊपर से ऑर्डर है, आप बाहर नहीं जा सकते, अभी आपकी पूछताछ बाकी है। पूछताछ हद हो गई यार, बार बार वही सवाल दोहराए जा रहे हैं। उस स्पून पर और एक बियर की बॉटल में केलाइट सल्फेट के ट्रेसेस मिले हैं। उस कमरे में और भी कोई था, क्योंकि हमें और भी बियर की बॉटल्स मिली थी। बाकी दो बॉटल्स क्लीन है, और वो दो फ्लैटमेट्स को तो पता ही नहीं कि कमरे में मर्डर हुआ था। सुरेश, ये इम्पॉसिबल है। क्या कहूँ, मैं तो ब्लैंक फील कर रहा हूँ। लेकिन हमें डिटेल्स चाहिए उमेश जी। अनुराग सिर्फ 27 साल का था और उसका कत्ल हो गया। सर, वो बहुत होनहार था, एक साल पहले ही ज्वाइन किया था उसने। होटल में उसकी किसी से कोई जलन या दुश्मनी? जी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी नहीं थी तो प्यार, किसी लड़की का चक्कर? नहीं सर, वो सिर्फ काम और काम ही करता था। 24 अगस्त को अनुराग ने छुट्टी ली थी ना, कुछ बताया उसने उसे छुट्टी क्यों चाहिए? जी नहीं सर, लेकिन हाँ, छुट्टी इस कंडीशन पर दी थी कि 25 की सुबह को वो लौट आएगा। और वो नहीं लौटा, पता नहीं किसने ऐसा किया। देखिए, मेरा प्रोजेक्ट सफर हो रहा है, मेरी कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है। एक जान से कीमती क्या हो सकता है भूषण? अनुराग को मैं ठीक से जानता तक नहीं था, एंड फ्रेंकली उसके जीने मरने से मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जो ये मेरे साथ खेल रहे हैं ना, इससे मेरे करियर पे बहुत फर्क पड़ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम अग्रेसिव बन रहे हो या हीरो बनने की जो कोशिश कर रहे हो, दरअसल बहुत डरे हुए हो। क्या लफड़ा था तुम्हारा अनुराग के साथ? किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये तो मान ही नहीं पा रहे कि तुम्हारे फ्लैट में मर्डर होता है और दो दिन तक तुम्हें भनक तक नहीं लगे। बस ये क्लियर नहीं हुआ है कि तुम दोनों ने मर्डर किया या फिर तुम में से किसी एक ने। प्लीज आप यकीन कीजिए, मेरी इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम लोग तो एक दूसरे के कमरे में भी नहीं जाते, और वो चार्जर वाले झगड़े के बाद तो कदम भी नहीं रखा। चार्जर वाला झगड़ा? हाँ सर, अनुराग और भूषण के बीच में काफी तू तू मैं हो गई थी। भूषण, अपने एक चार्जर को लेकर तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? साफ साफ बोलना मुझे। मेरी प्रॉब्लम तू है, तेरी लाइफस्टाइल से है मुझे प्रॉब्लम। बोलना क्या प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल से? इतना थर्ड क्लास म्यूजिक इतना टॉप वॉल्यूम में सुनता है तू? हां, किचन में घुसता है तो सारा इधर उधर करके निकलता है, सारा मैसेज करके रखता है सब कुछ। क्या बोले जा रहा है ये? क्या बोले जा रहा है? कुछ भी बोले जा रहा है। सुन यार, तू एग्जैगरेट कर रहा है, ऐसा तो हम सब कभी कभी करते हैं। नहीं, मैं कभी नहीं करता ऐसा। जिस दिन से आया है ना, उस दिन से यही सब कुछ हो रहा है। तू मुझे बता, जब हम पहले रहते थे कभी घर के हालात ऐसे थे कभी? वाह 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 वाह, मतलब मेरे आने से पहले ये जगह 5-स्टार होटल थी ना, एक चार्जर को लेकर इतना ड्रामा कर रहा है? अरे पागल है क्या तू? दिमाग खराब है तेरा? चल। क्या बोल रहा है मैं तो? बोला क्या तूने? बोल क्या रहा है तू? हाथ हटा। बोल क्या रहा है तू? अरे क्या बोला कर के हो यार? वही बोल रहा हूं जो तू सुन रहा है। अगर मेरे रूम की तरफ तूने आंख भी उठा के देखी ना, तो तू देख लेना, दैट्स माय लास्ट वार्निंग टू यू। उस दिन के बाद हम सिर्फ ड्राइंग रूम में ही मिलते थे, किसी के रूम में जाते ही नहीं थे। इस भूषण के साथ कुछ प्रॉब्लम है? मेंटल प्रॉब्लम? ऐसा कभी कुछ? देखो कुछ तो है, एक अजीब सी अकड़ है इस भूषण में। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। जो पसंद है वो पसंद है, जो नापसंद है वो नापसंद। ये बीच का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, और अगर आप इसको मेरी अकड़ समझें तो फिर अकड़ ही सही। तुमने अनुराग को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो जोर जोर से म्यूजिक सुनता था, बियर की बोतलें और अपना सामान यहाँ वहाँ छोड़ता था। तुमने उसके बियर में केलाइट सल्फेट मिलाई भूषण, फिर उसका दम घोट दिया मरने तक। सामान बेचने खरीदने के लिए लाइसेंस लगता है। बियर में केलाइट सल्फेट मिलाई मैंने? कोई और इल्जाम लगाइए आप मुझ पर, लेकिन ये नहीं। क्यों? ये क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात, मैं शराब नहीं पीता। दूसरी बात, मैं अनुराग को कभी पसंद नहीं करता था।
मैंने कभी लाइफ में उसके साथ एक कप चाय तक नहीं पी है। उसके रूम में जाकर बियर क्या पीऊंगा? क्यों नहीं पसंद करते थे उससे? सुधार्थी समझते हैं ना? समझाओ। इनकोरेजिबल, जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह सुधार्थित नियत का आदमी कभी नहीं बदल सकता। अच्छा, सुधर नहीं सकता था इसलिए जान से मार डाला उसे। भूषण के साथ मैं एक साल से रह रहा हूँ, इतना तो मैं एग्री करता हूँ कि उसके साथ रहना थोड़ा सा मुश्किल है, पर कभी कभी अजीब सा बिहेव करता था। अजीब सा मतलब? मतलब जब आप लोग अनुराग की बॉडी लेके गए। सुबोध, मुझसे नहीं होगा यार। क्या नहीं होगा? मैं अभी कैलाश जी से बात करता हूँ, मेरा एडवांस वापस लौटा दें, मैं निकल जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा इस फ्लैट में। भूषण, तू भूल क्या रहे यार, अनुराग मर गया। वो तो होना ही था। देख, तू अभी कभी नहीं जा सकता, कैलाश जी तेरा एडवांस लौटाने से रहे, पर पुलिस वाले भी तुझे तकलीफ देंगे। सुबोध, मैं पुलिस से नहीं डरता मैं पुलिस से। वेल, पहले ये केस वेस का चक्कर खत्म कर लूं, फिर मैं निकल जाऊंगा। हाँ, मैंने शिफ्ट करने की बात की है, इनफैक्ट आज ही की है। क्यों, आज ही क्यों? बिकॉज़ आई एम फेड अप। और ये शिफ्ट होने का ख्याल पिछले 2 हफ्ते से मेरे दिमाग में चल रहा था, जब से वो लड़ाई हुई थी मेरी उसके साथ, फिर उसके बाद ये नाटक हो गया। मुझसे रहा नहीं जा रहा है वहां पर, मैंने सुबोध को जाकर बोल दिया निकलना है मुझे। यहाँ अनुराग की लाश मिली है और वो ऑलरेडी आगे की सोच रहा था। सर, ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। क्या भूषण ने अनुराग का कत्ल किया? वैसे एक बात बोलूं, हो सकता है अनुराग का कातिल हमारे फ्लैट में ही हो, लेकिन मैं नहीं। गेम खेल रहे हो हमारे साथ? नहीं, वैसे ऐसा हो सकता है कि सुबोध के अनुराग के साथ कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई डीप प्रॉब्लम जो कभी मेरे सामने ना आई हो। सुबोध ने देखा कि मेरी अनुराग के साथ बनती नहीं है और उसके दिमाग की घंटी बजी और उसने अपने केलाइट सल्फेट की गोली मेरे कांधे से फायर कर दी। सर, अनुराग प्रधान की फैमिली 3-3.5 घंटों में यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये अनुराग का फोन हमें फ्लैट में कहीं नहीं मिला ना? नहीं सर, फोन स्विच ऑफ है, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाएं, कल सुबह तक या मैक्सिमम दोपहर तक आ जाएंगे। 3 फ्लैटमेट्स, एक का मर्डर हो जाता है और बाकी 2 अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं। सर, मेरी सरीश से बात हुई थी जो अनुराग की खबर लेने उसके फ्लैट पे पहुंचा था। सर, वो दोनों उतने शौक थे जितना कि मैं। शौक होने की एक्टिंग भी की जा सकती है। सर, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, मुझे तो सच में ही शौक लग रहे थे दोनों। हाँ दोनों, लेकिन लेकिन क्या? उनमें से एक था भूषण शर्मा, वो मुझे कुछ बदतमीज टाइप का लगा। सर, समझ में नहीं आ रहा कि भूषण और सुबोध को पता था कि लाश वहाँ है, या फिर दोनों में से एक को पता था, या फिर शायद दोनों में से किसी को भी नहीं। इस वक्त हमारा मेन सस्पेक्ट भूषण है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, केलाइट सल्फेट। हाँ, वो लो क्वालिटी वाला जिससे अनुराग बेहोश हुआ था। सवाल ये है राव, ये केलाइट सल्फेट उसके बियर में मिलाया कैसे? सामने तो मिला नहीं सकते। यू सी दिस रेड बाइक, ये मेरी पहली बाइक थी, पुणे में ली थी मैंने ये बाइक। पर जितने भी फ्रेंड्स थे ना, इस बाइक को लेकर मुझसे जेलस फील करते थे। एक और चीज नोटिस की मैंने अनुराग के कमरे में। बाइक सर? करेक्ट, हर जगह फोटोज, मिनिएचर्स। इतना कमिटेड बाइक लवर था ये अनुराग, तो इसकी खुद की भी तो बाइक होगी। ठुल्ले साले, देखने आए थे, हम कहीं भाग तो नहीं गए? भूषण धीरे यार, तू डरा क्यों रहा मुझे? तू सच में डरता है मुझसे? हाँ, इसलिए मेरे पीठ पीछे तू पुलिस को बोलने गया था मैं साइको हूं, मेरा अनुराग के साथ झगड़ा हुआ था। तो क्या हुआ नहीं था? देख सुबोध, जितनी तेरी हालत खराब है ना, उतनी मेरी भी है। अगस्त साले चील कौए फिर से मंडराने के लिए। अनुराग के पास बाइक थी? हाँ थी सर। इस वक्त कहाँ है? सर, पार्क तो वो यहीं करता था बाइक पर, है नहीं तो कहाँ है अनुराग की बाइक? अब है ही नहीं तो फिर हम कैसे बता सकते हैं कहाँ है, हमें क्या मालूम होगा? करेक्ट, जब बाइक का ओनर 2 दिन से तुम्हारे बगल वाले कमरे में मरा पड़ा हुआ था, ये तुम्हें मालूम नहीं, तो उसकी बाइक है नहीं है तुम्हें कैसे मालूम होगा? देखिए, आप कुछ ज्यादा इशारे नहीं कर रहे हैं हमारी तरफ। अभी तो सिर्फ इशारे कर रहा हूँ, अगर एक भी सबूत मिला ना तुम दोनों के खिलाफ या दोनों में से किसी एक के खिलाफ, तो इशारे नहीं होंगे, सीधा शिकार होगा।
23, 24 और 25 अगस्त इन 3 दिनों की एक एक घंटे की डिटेल रिपोर्ट तुम दोनों से चाहिए, लिख कर मुझे अभी। अरे लेकिन सब शट अप, बहुत हो गया तेरा, लिखने के लिए बोला है तो लिख। राव ये दोनों जो भी लिख कर देंगे उस हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लेना बारीकी से। बाइक कॉलोनी से बाहर गई या आई तुझे कुछ नहीं पता। सर ऐसा है यहाँ सब लोग अपने टाइम के हिसाब से आते जाते हैं, गाड़ी बाइक सब दिन भर आते जाते रहती है, अलग से कुछ देखा नहीं सर। तो तेरे यहाँ रहने ना रहने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर तू यहाँ है क्यों? सर होटल की सिक्योरिटी वालों ने कहा है कि अनुराग वहां से 23 तारीख को बाइक लेकर निकला था, मैंने पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया। फिर बाइक है कहाँ? सर सीसीटीवी फुटेज मंगवाया, उसमें बाइक का पता चल जाएगा, नंबर का, नंबर सर्कुलेट करते हैं, शायद ये केस बाइक से रिलेटेड हो सकता है। सुबोध, हाँ डिनर ऑर्डर कर रहा हूँ, तेरे को कुछ चाहिए क्या? तूने लिखी क्या वो 3 दिन की अर्ली रिपोर्ट? लिख रहा हूँ भाई, भूख भूख नहीं लगती क्या? इंसान हूँ मैं। बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर है KA17586X और बाइक का मॉडल है मोटो R400। शहर के सभी इलाके के सीसीटीवी फुटेज चेक करो इस बाइक के लिए। 24, 25 और आज 26 अगस्त को इस बाइक की मूवमेंट जरूर हुई होगी। अरे दोस्त जो कि फटफटी नहीं है, मोटो R400 है, 400 सीसी की बाइक, 50 BHP, सेकेंड हैंड हुई तो क्या हुआ, टिप टॉप कंडीशन में है, कम से कम 1,00,000 रुपये बनता है। मैंने खुद चलाकर देखी है, मक्खन है, एकदम मक्खन। साईं बाबा पूरी तरीके से टूट चुके हैं सर। तपन मैं समझ सकता हूँ, भैया यहाँ पर 1 साल पहले आए थे, उनकी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, फिर भी किसी ने मार डाला उनको, क्यों सर? देखो तपन, हम सबकी एक प्राइवेट लाइफ होती है जो कभी कभी इतनी प्राइवेट हो जाती है कि कुछ बातें हम हमारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते। नहीं सर भैया का ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा अनुराग ने कभी उसके फ्लैटमेट्स के बारे में बताया था? फ्लैटमेट्स? भूषण शर्मा और सुबोध चौधरी। नहीं सर क्यों? तुम्हारे भाई की मौत 24 के दोपहर को हुई थी उसके रूम में, जबकि ये दोनों भी उसी फ्लैट में रहते, फिर भी 26 दोपहर तक इन दोनों को पता ही नहीं था। पता नहीं सर, भैया ने उन दोनों के बारे में कभी कोई बात नहीं की, वो अपने काम के बारे में बात करते थे या फिर बाइक्स के बारे में। बाइक का क्रेज था, फोटोग्राफ्स देखे हैं मैंने, बाइकर थे भैया, पुणे में सॉलिड ग्रुप था उनका बाइकर्स का। पुणे में जो बाइक थी वो जान थी उनकी, यहाँ आने से पहले उन्होंने वो बाइक बेच दी सर। फिर यहाँ जो बाइक है वो मोटो R400? सर वो बाइक उन्होंने यहाँ खरीदी बेलगाम में सेकंड हैंड, भैया वो बाइक भी बेचकर एक नई बाइक लेने वाले थे। तपन यार ये रेडीमेड बाइक से मैं बोर हो गया हूँ, यू नो इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ कि 550 सीसी की एक कस्टम मेड बाइक बनवाऊँ। तो ले लो ना भैया, अभी तो फाइनेंस का भी इशू नहीं है। हाँ यार वो तो है, बट एज यू नो कि कस्टम मेड बाइक का कोई बजट नहीं होता यार, बहुत महंगी होती है। अरे भैया देखो एक लाइफ मिली है तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो। वैसे आपके पास जो बाइक है उसका भी तो अच्छा प्राइस मिल रहा होगा ना? हाँ यार मिलनी तो चाहिए, बहुत प्यार से संभाल के रखा है इस बाइक को। वैसे फ्रेंच स्क्वायर है ना, वहाँ पे एक बाइकर्स के ग्रुप पे भी मैंने पोस्ट किया है, 1.5 लाख का प्राइस कोट किया मैंने वहाँ पर। अनुराग की बाइक हमें मिली नहीं, क्या 24 अगस्त को अनुराग ने अपनी बाइक बेच दी थी? पता नहीं सर। सर ट्रैफिक डिपार्टमेंट रेड अलर्ट पर है, बाइक का सीसीटीवी फुटेज उनके हेड ऑफिस पहुंच गया है।
अगले दिन ही इस रहस्यमय केस का हल होने वाला था। तहकीकात करने वाले और पीड़ित की फैमिली सभी चौंक जाने वाले थे ये जानकर कि गुनहगार कौन था। भूषण और सुबोध, इन दोनों ने प्लानिंग करके लिखा है क्या? ये लगता तो नहीं सर, दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं और दोनों कंपनीज की सीसीटीवी फुटेज मैंने बारीकी से स्कैन की है। जो जो लिखा है वो सबूत समेत मैच कर रहा है। सर, सुबोध की गर्लफ्रेंड जयश्री उसी सोसाइटी में रहती है। ऑफिस से लौटने के बाद सुबोध उसी के साथ था दोनों दिन, उसी के फ्लैट पर। मैंने बैक चेक किया। ये गर्लफ्रेंड वाला एंगल हो सकता है क्या? लगता तो नहीं सर, मैंने सुबोध की सारी एक्टिविटी बैक चेक करी है, सभी फिट बैठे हैं। फिर भी राव, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। दो दिन से लाश फ्लैट में पड़ी थी, ये लोग रात को आए, सोए, दूसरे दिन उठ के ऑफिस चले गए, फिर रात को उसी फ्लैट में आकर सोए, और इन दोनों को पता ही नहीं चला कि फ्लैट में लाश है। ये क्या रहस्य है? सर, मैंने सुबोध और भूषण के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए और अनुराग के मिसिंग फोन के भी, आधे घंटे में आते ही होंगे। देखते हैं कॉल रिकॉर्ड से क्या मिलता है, शायद इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद ही कर दे। और फोन रिकॉर्ड्स ने वाकई मदद की इस केस की। ये केस कुछ ही देर में क्लोज होने जा रहा था। सर, सुबोध और भूषण के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं निकला। और अनुराग? सर, अनुराग के पिछले एक हफ्ते से एक नंबर पे कांस्टेंट बात हो रही थी, 4447891। किसका नंबर है ये? किसी देवनाथ रायकर का है सर। 24 को अनुराग की उससे बात हुई और 24 को देवनाथ के सेलफोन की लोकेशन अनुराग की सोसाइटी थी जहां वो रहता था और उसका कत्ल हुआ। देवनाथ रायकर? हाँ, मैं ही हूँ। आप अनुराग प्रधान को कैसे जानते हैं? अनुराग प्रधान? मैं नहीं जानता किसी अनुराग प्रधान को। 4447891 ये आप ही का नंबर है? एक मिनट, मुक्ता, जरा मेरा फोन लाना। ये मेरा फोन दीजिए। सर, ये तो कोई दूसरा नंबर है। 4447891 ये नंबर आपके नाम पर रजिस्टर कैसे? ये नंबर तो नितिन का है। नितिन कौन? मेरा बेटा। अब क्या किया उसने? मतलब आपका बेटा हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहता है। मैं उसके बारे में आपको बताने वाला था, लेकिन जैसे मैंने आपको देखा मैं डर गया था। क्या बताने वाले थे? उस दिन जब यहाँ से गया तो बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। ये मोटरसाइकिल तूने खरीदी? कितनी बार पूछोगे आप, और कितनी बार जवाब दूंगा मैं। अरे पर उस मोटरसाइकिल को देखते ही मुझे लगा कि ये चोरी की मोटरसाइकिल होगी। देवनाथ जी, इस बार आपके इकलौते बेटे नितिन ने सिर्फ चोरी नहीं की है, मर्डर भी किया है। हेलो साहब, नूरानी लाल तुरंत आई है, बाइक भी है और आपका नितिन रायकर भी। सर, नूरानी लॉज, नितिन और बाइक दोनों वहीं मिलेंगे। इस नितिन के नाम पर 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में सीरियस केसेस दर्ज है, तो मर्डर का एक भी केस नहीं। सर, हो सकता है बाइक चुराई गई हो, या फिर शायद बेच रहा हो, या फिर हो सकता है कि ये बाइक सुपारी की रकम हो। अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से छोड़कर नहीं भागते नितिन। क्या थी ये बाइक, सुपारी या बोनस? चल शुरू से शुरू कर अपनी कहानी। केलाइट सल्फेट कहाँ से मिला तुझे? अनुराग तक क्यों पहुँचा था और कैसे पहुँचा था? सर, वो फ्रेंड स्क्वायर पर नए नए ऐड आते रहते हैं, वहीं पर फेरी बाइकर्स क्लब का ऐड आया था तो ज्वाइन कर लिया सर मैंने। सर, वहीं पर ये अनुराग ने ऐड डाली थी अपने बाइक बेचने की ऑनलाइन।
हेलो अनुराग, जेकब हियर। जेकब अनुराग, तुमने बाइक की एड डाली थी ना फेरी बाइकर्स क्लब में। ओ या सो यू आर इंटरेस्टेड राइट? बाइक देखोगे? या श्योर। सो कैसी लगी बाइक? Isn't she a beauty? Fantastic. बाइक चुराने का प्लान था सर, पर सोचा कि अगर टेस्ट राइड पर गया और वहीं से भाग गया तो पकड़ा जाऊंगा, उसको चेहरा याद रहता ना सर। बाइक की चोरी से बचने के लिए तूने उसका मर्डर कर दिया, वाह। केलाइट सल्फेट कहां से मिला तुझे? सप्लायर का नाम नहीं मालूम सर। कोई बात नहीं, हमारे पास एक दवा है जो पीने के बाद तुझे सप्लायर तो क्या उसके नानी का भी नाम याद आ जाएगा। डील 24 अगस्त को होने वाली थी। नितिन चेक देकर बाइक लेने वाला था। 24 को ऑफ लेने का कारण यह हुआ होगा कि पुरानी बाइक बेचने के बाद अनुराग अपनी ड्रीम कस्टम मेड बाइक कंपनी में जाने वाला था। Hey Jacob, how are you man? I'm good. Come in please. Kya baat hai? Total biker ha? Haan yaar. The only love of my life. Lega? Sure. Cheers man. You know, जो कि बाइक में है ना यार, वो ना ये बियर दे सकती है और ना कोई लड़की। इनफैक्ट नहीं, अब हंसने की बात नहीं है भाई, इनफैक्ट दुनिया में कोई भी चीज़ ये किक नहीं दे सकती है ना। यू सी दैट रेड बाइक भाई? दिस वॉज माई फर्स्ट बाइक, पुणे में ली थी मैंने ये बाइक। अरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना इस बाइक को लेकर मुझसे जेलस फील करते थे सब लोग। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट, मैंने इस बाइक को एक नाम भी दे रखा था। नाम रखा था इसका जब भी रोड पे निकलती थी ना सब लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। वैसे कि मैं बाइक को थोड़ा क्या हुआ? ठीक है ना? सुन मैं चीनी लेकर आता हूँ तेरे लिए। चीनी लेकर आता हूँ, रख। खा चीनी का, खा ले खा ले खा ले खा ले। बस बस सब ठीक हो जाएगा बस। उसे अपना नाम जैकब बताया, मुझे लगा मेरा असली नाम कभी सामने नहीं आएगा सर। तुम क्रिमिनल्स का भेजा क्या घुटनों में होता है क्या, जो इतने प्लानिंग से जुर्म करते हैं ये सोचकर कि कभी पकड़े नहीं जाओगे? सर मुझे लगा मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा और बाइक के कम से कम 1,00,000 रुपए तो मिल जाएंगे। तूने मर्डर तो एक किया है पर जाने 5-5 ली है, अनुराग के माँ बाप और उसका छोटा भाई और तुम्हारे बदनसीब माँ बाप। नितिन राइकर अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। सर इस नितिन रायकर की सारी हिस्ट्री निकाली मैंने, माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से इसको इंजीनियरिंग करवाई थी। पढ़ा लिखा क्रिमिनल सबसे खतरनाक होता है, ये पहला मर्डर है इसका? हाँ सर, इससे पहले चोरी और लूटपाट के केसेस हैं इस पे। तगड़ा चार्जशीट बनाना इसके खिलाफ।
सर कोर्ट ऑलरेडी से एक मौका दे चुकी, इसने अंडरटेकिंग दी थी कि और जुर्म नहीं करेगा और कोर्ट ने इसकी सजा भी कम कर दी थी, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं लगता। उस भूषण ने सही कहा था, सुधारतित, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता। सुबोध और भूषण हिल गए थे ये जानकर कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि अनुराग एक ऐसे जुर्म का शिकार होगा, एक बाइक बेचने की फिराक में अपनी जान गंवा बैठे। नितिन इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। अनुराग प्रधान अपने बाइक्स के प्रेम में इतना खो गया था कि वो ये समझ बैठा कि जो उसकी बाइक खरीदने आ रहा है वो भी बाइक प्रेमी है, जो कि गलत था, और इस गलती की कीमत साबित हुई अनुराग की जिंदगी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नितिन रायकर इस केस में चोरियों से मर्डर में ग्रेजुएट हुआ था। उसके माँ बाप की फिक्र और पहले के एक जज द्वारा दिखाई गई नरमी का उस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। क्या किया जाए ऐसे क्रिमिनल्स का। हमारा कानून ज्यादा तवज्जो देता है पीड़ित को न्याय दिलाने में और यह अनुमान लगाकर चलने में कि सजा इंसान को सुधारने के लिए दी जाती है, लेकिन जरूरत है कि कानून, प्रशासन और जनता इस विषय पर दोबारा विचार करें और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक सख्त नजरिया अपनाने की गुंजाइश रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल रात CID के एपिसोड के बाद एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।